चलो जो लोग ज्वाइन हो गए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो, बाकी तो धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1% वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए जल्दी एकदम कर दिया बाकी लोगों को।
हाँ सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था, आ रही अभी आवाज। तो गया न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन लिया मैंने, और सब्स्टिट्यूशन ने सॉल्व किया हुआ है। ओके ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी। नाउ यू आर गेटिंग वॉइस आर्यन, मोहित, ओके ओके ओके। नाउ कैरी ऑन, सेड वेरी फास्ट, कितना सॉल्व वेरी फास्ट। ना उड़ूंगा, चलिए अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूँ, टाइम भी दूंगा आपको, एक एक न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व करना है। हो तो गया, चलो फिर तो। न्यूमेरिकल फिफ्थ वेलोसिटी ऑफ बोर इलेक्ट्रॉन बोर स्टॉपिक जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर पर सॉरी इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.19 ऑर्बिट इज 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कैलकुलेटिंग अगली वेव लें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल है। सिक्स तभी आपको ये सॉल्व करना है, कैलकुलेट द कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी सेकंड। तो दो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, फिर मैं अगला मोमेंटम वाला एग्जांपल आपको दूंगा।
वेटिंग में ठेवलेले सर काय काम चालू आहे काय नाही म्हणा हँग होत आहे म्हणजे कैलकुलेट इफ द दोनों तरफ दोनों एग्जांपल्स में आपको वेलोसिटी ही दिया है मास से में दोनों एग्जांपल में मास से में वेलोसिटी क्या है In second example, that is the sixth example, wavelength of electron moving with velocity. Very simple things are given. But in previous example, Bohr's first orbit is measured. You are not supposed to worry about Bohr's orbit. Whatever things are given, that is the velocity of electron. V is given. You know the mass. Mass into velocity is the momentum. And H you know very well. H upon mv. Calculate very fast. Both are very close to you. आर्यन कम ऑन वेरी फास्ट दोनों का चाहिए सर चलो जल्दी दो एनसीईआरटी टेक्स्टबुक है मुलगा तारा तो भाई त्याला मरी गया मैं आर्यन चौधरी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अमेजिंग आंसर्स फिर जॉइंट होती
चलो अभी थोड़ा सा चेंज करना है जी सेंस में। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज करना है, मैं सॉल्व करके दूंगा नहीं, हर एक को सॉल्व करना ही है। 3.2 कन्वर्शन यूज करना है हमें। 10^-10 मीटर का मतलब होता है 1 PM और 10^-9 मीटर का मतलब होता है 1 AM। तो हमें इसको चेंज करके थोड़ा चेंज करना है। आवाज आ रही क्या? आर यू हियरिंग द वॉइस? अरे बहुत बंद करना रे मोबाइल रे, तेरा आवाज आता पूरा सब कुछ डिस्टर्ब है योगेंद्र पवार। तो अभी उसको 10^-12 लेके जाना है हमें। 3, 3, 2 × 2 दो डिसिप्ल इधर शिफ्ट हो जाएगा। 10^-2 × 10^-10। अभी ये हो गया हमारा 10^-12। हमारा देश का प्रधानमंत्री जी 12 घंटे काम करे। कितना घंटे काम कर रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री? 12 घंटे। इसलिए 10^-12 का मतलब होता है 1 PM। देखो 1 PM और 10^-15 हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर 15 घंटे काम करते। 1:10^15 का 15 मतलब है AM। और देश का प्रधानमंत्री 12 घंटे काम करते तो होता है PM। -12 वाला होता है PM 12 घंटे, और -9 होता है नैरो मिनिस्टर, देखो NM। लिख लो एक कन्वर्शन। 1:15 का होता है फाइनेंस मिनिस्टर, 1:12 का होता है प्राइम मिनिस्टर।
को भी अगर 12 में लेके जाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, 35.5 इंटू 10^-12 हो जाएगा, वही होगा हमारा 35.5 प्राइम मिनिस्टर पीएम। चलो अगला एग्जांपल दो। ये टेक्सटबुक का एग्जांपल करना है हमें। देखो अलग अलग टाइप का एग्जांपल आएगा, शायद 8 एग्जांपल ऐसा लगता है मुझे, देख लो एक बार। 7 थे, 7 बराबर में 7 दिख रहा था। चलो 7 एग्जांपल है एनसीईआरटी टेक्सटबुक का। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जिस वर्डिंग में वही वर्डिंग है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वही रहेगा 9.11 × 10^-31 किलोग्राम। If its kinetic energy is full stop, if its kinetic energy is 3×10^-25 joule, 3×10^-25 joule, calculate the wavelength. कैलकुलेट द वेवलेंथ, बस ऐसा न्यूमेरिकल दिया गया है। अब काइनेटिक एनर्जी बताओ, चलो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कौन बता सकता है, एनीबॉडी? चलो करण अर्जुन बोल सको, बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर। कौन बोल रहा है? करण करण है यार, में एक ही है करण। हाफ एम वी स्क्वायर, हेलो। अभी हाफ एम वी स्क्वायर से हमारे पास मास भी है, वहां से हम फिर आ सकते हैं वेवलेंथ की तरफ। चलिए सॉल्यूशन, गिवन डाटा, मास दिया हुआ है 9.11 × 10^-31 किलोग्राम, और काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन नोन एज काइनेटिक एनर्जी, 3×10^-25 जूल, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv². ओके, इससे हम वी स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा और एम रेशियो में आएगा। क्लियर है? सो वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3×10^-25 × 2 / 9.11 × 10^-31
सॉल्व, यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने को। इधर ब्रैकेट में लिखो, 1 जूल का मतलब बताए 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर स्क्वायर। थ्री इंटू टू 6 आ गया ऊपर, नीचे 9.11 इंटू 10^-, -25 था ये, 10^-, +31 आ गया ऊपर जाकर। ओके, अभी 6.9.11 इसका कैलकुलेशन क्या आ सकता है? चलो 60 ले लेंगे, -25 और +31 कितना आएगा? +6 अभी ये क्या है, हमें वी स्क्वायर है, अभी हमें वी चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.66 इंटू 10^-6। अभी 0.66 का स्क्वायर रूट निकालने का अपने पास पीरियोडिक टेबल के अंदर अवेलेबल ऑप्शंस है अपने पास। चलो इसका स्क्वायर रूट 0.81 आएगा और 10^-6 का आएगा, +6 का आएगा +3, स्क्वायर रूट में हाफ हो जाता है। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, क्लियर? अभी वेलोसिटी मिलने के बाद लैम्डा की तरफ जाएंगे हम, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच का 6.634 -34 अपॉन 9.11 इंटू 10^-31 0.81 इंटू 10^+3। ये लैम्डा का कैलकुलेशन भी आप लोग कर सकते हैं, आपके यहाँ पे आगे। चलो मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी टेक्सटबुक का ये आंसर है। सर बोलो, 10^-6 आएगा ना अपने प्लस, स्क्वायर रूट में +3 आ जाना। प्लस का बोल तू सर, ये जो थोड़ा कैलकुलेशन में मेरी गैप मार रहा हूँ ना, आप इस चीज का मत करो। जब आप ऑपरेटिंग पीरियड शुरू होगा ना, उसमें मैं कैलकुलेशन कैसे करते ये जुगाड़ लगाऊंगा बताऊंगा आपको। मेरे पास ये कैलकुलेशन करने का बहुत बढ़िया जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, यानी कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा लिमिटेशन है, हर एक चीज को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, इसलिए अब ज्यादा दिन थोड़ी बाकी है, अपने 2-4 दिन बाकी है बस। शायद मंडे को परमिशन आ गई तो ट्यूजडे से अपन क्लास शुरू कर देंगे सर। 22 जून से दिशा वाले चालू कर रहे हैं। 22 जून से कौन चालू कर रहे हैं? दिशा एकेडमी। अरे अच्छा, क्या है सच्चा रे, तू इधर उधर घूम। दिशा सुमंदी, दिशा सुमंदी, दिशा वालों को जाके पूछने का एक ही सवाल, लास्ट ईयर तुम्हारा मेडिकल का हाईएस्ट क्या था नीट एग्जाम का और कौन था? बस सर ज्वाइन नहीं कर रहा था मालूम है, इसलिए मैं आज तू ज्वाइन होने नहीं दे रहा था। इधर उधर भाग रहा है तू, तेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा इसे। सर उधर केमिस्ट्री थोड़ी लगा है सर। तो ये केमिस्ट्री भी लगा लेना,
नहीं सर, जा तो अभी उधर से जा, केमिस्ट्री भी उधर लगा, फिजिक्स भी उधर लगा। चलो भगा दिया मैंने उसको, अन्य से टेंशन नहीं चाहिए अपने को। अभी अगला रहेगा, चलो क्या आएगा अभी कैलकुलेशन करने के बाद, 8 9 6 7। एट नाइन सिक्स सेवन डायरेक्ट मैं लिखता हूं एंगस्ट्रॉम, नया कन्वर्शन आ गया है अभी एंगस्ट्रॉम। चलो अभी कन्वर्शन लिख देता हूं उसमें, 1 × 10⁻¹⁹ पहला रहेगा, 1 × 10⁻¹⁰ दूसरा रहेगा, 1 × 10⁻¹⁰ रहेगा, 1 × 10⁻¹⁵ रहेगा। मीटर मीटर ये चार ही कन्वर्शन आएंगे हमको, इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, इज इक्वल टू 1A0, एक सर के ऊपर जीरो लगाना, उसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम रहेगा वो A0। ये रहेगा आपका 1 प्राइम मिनिस्टर, ये रहेगा आपका 1 फाइनेंस मिनिस्टर FM। चलिए ये सब कन्वर्शन हमें हमारे हथियार होते हैं हमेशा, और 1 जूल का मतलब होता है, 1 जूल का मतलब होता है 1 kg m² s² per² चलो हो गया कन्वर्शन। ओके ओके केतन, पिछले जाता हूँ मैं, जल्दी जल्दी करना है, अपना बहुत सोच चलता है, जब क्लास में बैठोगे तुम तो इतने दिन पांच एग्जांपल सॉल्व कर देता था आपको। बिल्कुल
चलो अगले से स्लाइड पे चलिए। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक कन्वर्शन आपको याद रखना है, अगला हर कैलकुलेशन कन्वर्शन के रिलेटेड रहेगा, एनसीईआरटी के पूरे कंपल्स अपने को करने के। कोई भी एग्जाम का पेपर सेट करने से पहले नीट का हो जेई का हो तो एनसीईआरटी को ही बेस लगा रखा था। चलो टेंथ एग्जाम्पल आ रहा है अभी आपके लिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास, बॉल ऑफ मास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। चलो ये टिक नंबर 10 नंबर जल्दी आ जाएगी, 11 नंबर थोड़ा सा मुश्किल है। 11 नंबर कैलकुलेट मास ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट, कैलकुलेट मास ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ। जान दो ये 10th सवाल करो, 11th वाला बड़ा है वो अगले पे स्लाइड ले आऊंगा। आप लोगों ने 10th एग्जांपल लिखा नोटबुक में, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बॉल मूविंग, बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी। इलेवंथ एग्जांपल बहुत तगड़ा एग्जांपल है, इसे थोड़ी देर में लेता हूं, तब तक आप इसे सवाल 2 मिनट के अंदर। चलिए न्यूमेरिकल से होते पूरे, पूरा नीट का पेपर जेई का पेपर एवरीथिंग। हो गया 10th एग्जाम्पल आंसर, अरे एकदम आसान है, कट कट करने के चक्कर से तो एक ही आ रही है 6.634 × 10⁻³⁴। 6.634 लेकिन क्या है दिमाग कचरा भरा हुआ है, ऐसा थोड़ी दो ट्यूशन लगाया तो 90% मार्क्स मिलेंगे, दो ट्यूशन लगाया तो 180% मार्क्स मिलेंगे क्या? सर मैंने क्लास नहीं लगाया, मेरा दोस्त है नमन बेदमू था नाम का, उसने बताया। और ऐसा किसी बात नहीं का, जो भी आपको डाउट है तो मेरे पास आना बिल्कुल, मुझे दुनिया का नॉलेज है, किसी को भी जाके बोलो मेडिकल एडमिशन है इंजीनियरिंग एडमिशन, मुझे जितना नॉलेज है शायद ही किसी को होगा जलगांव में, निश्चिंत हो मैं सब बताते जाता हूँ धीरे धीरे। चलो अभी 11th एग्जाम्पल, 11th एग्जाम्पल बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल आ रहा है अभी, बहुत बड़ी एग्जाम्पल एनसीईआरटी टेक्सटबुक से, कैलकुलेट मास ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट।
कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लाइट हैविंग वेवलेंथ 3.6. थैंक्स. चलो भाई लोग, अभी आपको मुझे कुछ ना कुछ बताना है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है लाइट के बारे में. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती है. तो प्लैंक ने क्या क्या है, आपने देखा था कुछ दिन पहले केदारनाथ में बहुत बाढ़ आई थी. तो केदारनाथ में ज्यादा बाढ़ आने के कारण लोगों के घर निकल गए थे, कुछ खाने के लिए नहीं था, जिंदा बचे बहुत बहुत कुछ था. तो लोग जब जिंदा बच गए तो ऊपर माउंटेन के ऊपर आ गए और वहां पे सब लोग बैठे, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं. तो उस वक्त वहां पे हेलीकॉप्टर भी उतारा नहीं जा सकता, प्लेन भी उतारा नहीं जा सकता है. तो उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने आर्मी वालों ने क्या किया था, आर्मी के हेलीकॉप्टर से नीचे पुरियों का पैकेट डाले गए थे. यानी एक पैकेट था उसमें 5 पूरी, उसमें पोटैटो की सब्जी, थोड़ा सा मिर्ची, प्याज, ये सब पैकेट बना के डाला गया था. ओके, तो ऊपर हेलीकॉप्टर से जब पैकेट डाले गए थे तो एक पैकेट दूसरा पैकेट को जोड़ थोड़ी डाला जाएगा, अलग 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 पैकेट डाले जाएंगे. ओके, सभी पैकेट से लाइन में रस्सी से भाने थोड़ी से उतरेंगे, अलग 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 पैकेट डाले जाते थे थोड़े कम अंतर से, 100-200 मीटर के अंदर से, फिर लोग ने उसको कैच करके खाते थे. ओके, वैसे ही हमारा सोलर एनर्जी खाए, सूरज का सोलर जो एनर्जी हमारे पास आता है तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एनर्जी पैकेट में आता है. और एक पैकेट के पास जो एनर्जी होता है उसे बोलते क्वांटा. ओके, और ऐसे बहुत सारे क्वांटा मिला के हमारे पास होता है फोटोन. ओके, तो एनर्जी का फोटोन E=hν इसे दिया जाता है. ओके, अभी हमको क्या बोला है वहां पे, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन. मास ऑफ फोटोन चाहिए हमको, तो इसी फार्मूला से हम उसको निकाल सकते हैं. देखिए सॉल्यूशन गिवन था, क्या क्या है हमको, फोटोन ऑफ लाइट, लाइट का फोटोन है तो इसलिए उसका वेलोसिटी क्या आएगा, लाइट का वेलोसिटी आएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. और वेवलेंथ भी दे दिया हमें लैम्डा, लैम्डा कितना है 3.6 एंगस्ट्रॉम, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे कितना होगा 3.6×10⁻¹ मीटर. ओके चलो अभी अभी सो अपना फॉर्मूला वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उससे क्या चाहिए, मास चाहिए, कैलकुलेट मास. तो मास भाई साहब तुम इधर आओ, एच अपॉन लैम्डा इंटू वी आएगा, लैम्डा इंटू वी. तो हमारा ये हमको पता है 6.634×10⁻¹¹ अपॉन लैम्डा कितना है 3.6×10⁻¹¹ इंटू वेलोसिटी कितना है 3×10⁸. चलो ये कैलकुलेशन करो, उसे मास मिल जाएगा. एग्जाम्पल आते हैं और यही एग्जाम्पल आपको 1 मिनट के अंदर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है. अभी तो हम डिसेप्टिव का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब नीट का रहेगा तो यही एग्जाम्पल को हमको बहुत कम समय के अंदर सॉल्व करना रहेगा. कल अभी संडे, कल संडे की छुट्टी रहेगी, मंडे को आएगा 21st को अपने जो पीरियड रहेंगे ऑनलाइन, 21st का जो ऑनलाइन पीरियड रहेगा उसी के बीच में मैं आपको बताऊंगा टॉप लाइन कैसे शुरू होगा, क्या करेंगे, कहाँ पे कैसे आना पड़ेगा,
गाड़ी से आना है, बाइक से आना है, क्या करना है, देन आई विल डिस्कस ऑन मंडे। ओके, तो आज सैटरडे, कल संडे, संडे तक इंतजार करके गवर्नमेंट का कोई ना कोई परमिशन आएगा, डिसीजन आएगा। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन हम नहीं ले सकते। चलो मास बताओ जी, क्या आएगा इसका मास? तो मेरी कही ना, चलो हो गया, पता है आंसर फाइनल सर। एनीबडी, कितना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, ज्यादा ही था, और कौन देखना आ रहा है, आप क्या यूज कर रहे? अनुराग सर नहीं कह रहा है, अनुराग सर के सोया क्या? मोहित भी आज आंसर नहीं दे रहा है, वेरी गुड बॉय। युगेंद्र पवार, युगेंद्र पवार, विपुल, वैष्णवी, स्नेहा, स्नेहा सूर्य बिल्कुल शांत रहती, बिल्कुल भगवान की शांत करती है स्नेहा सूर्यवंशी। आज शाम तुझे केमिस्ट्री का नोटबुक डालने के लिए आना है, तेरे पापा के साथ मेरे घर पे आना है, तुझे नोटबुक लेकर केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। आर यू गेटिंग? या मोबाइल शुरू करके जाके बैठ के कहीं अपना काम धंधे कर रहे हैं? यस सर, ओके, नोटबुक लेके आना है किसी भी हालत में। श्रद्धा, वेरी गुड बेटा, केतन का भी आंसर आ गया। चलो क्या आंसर? सर 7.164 इनटू 10 टू द पावर माइनस क्या आएगा? 6.6 नहीं सर, 7.164। नहीं यार, आंसर तो 6 में आना चाहिए ना, 6.139। 6.139 इनटू 10 रेस टू माइनस 33 माइनस 33 किलोग्राम, ये आंसर आना चाहिए। देखो जल्दी, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कितना मुश्किल तो नहीं यार। इसमें शॉर्टकट है, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेरे पास शॉर्टकट फार्मूला भी है। बराबर है यार, आंसर 6 का यार है, कैलकुलेट भी करके लिखा है मैंने अभी जस्ट।
चलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे बिल्कुल थर्जरी आएगा ना पावर, पावर थर्जरी आएगा। देखो आप लोग, चलिए इलेवंथ एग्जाम्पल। और अकाउंटिंग तो गलत नहीं हुआ यार, पायू सिक्स सेवंथ आया था, सेवंथ एट नाइन रहेगा, और डायरेक्ट टेंथ ले लिया मैंने, टेंथ ले, चलो एट और नाइन इधर ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। एट द एग्जाम्पल पार्टीशन कर देंगे, नाइन्थ एग्जाम्पल सीबीएसई टेक्स्ट बुक आई है, सीबीएसई नाम का कोई टेक्स्ट बुक आई नहीं आई। ओके, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विच हैज अ डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विच हैज अ डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, विच हैज डी ब्रॉग्ली, विच हैज डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, विच हैज डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ 0.1 nanometer and h is also given, what is that, 6.634 into 10 raised to minus 34 joule second bhi deta hai, chalega, chaliye hello, aapko momentum find out karna hai, ekdam aasan hai, kaun bol sakta hai momentum kaise karenge, are pan galat kiya, tension mat le, क्या ये मतलब है, गलत सही का कोई मतलब नहीं अपने पास, आपका आंसर सही आना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आंसर आना चाहिए, समथिंग समथिंग शुड बी गिवन। अभी आप लोगों मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं हरेक का नोटबुक चेक करता हूँ, और हरेक के अभी बीच में आपको न्यूमेरिकल दिया, मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं क्लास के अंदर हरेक का नोटबुक जाके देखता हूँ, उसके बेंच पे बैठ के उसको सॉल्व करके देता हूँ। P=mv का फॉर्मूला यूज करेंगे सर, इक्वल टू एम, अरे इतना काय को कर रहा है यार, यार देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी राइटिंग, और हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारा पी मोमेंटम, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू सिंपली एच अपॉन लैम्डा, ये छे हमारा 6.634 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय हमारा का वैल्यू कितना दिया है उन्हें, 0.1 नैनोमीटर। ओके, सो 0.1 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 9, अभी ओपन कर देता मैं, 6.634 अपॉन 1 हो गया, वो माइनस 9 का कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, 34 ऊपर नीचे का माइनस 10 ऊपर गया तो प्लस 10 बन गया, ओवरली सॉल्व कर सकते यार हम तो, देखो हम भी क्या लोग है, 6.634 इनटू 10 रेस टू माइनस 24 पी मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे, नाइंथ नंबर, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ 12 पीएम, हैज अ वेवलेंथ 12 पीएम,
चलो भाई लोग कैसे सॉल्व करके जल्दी करो यार, वो टीचर इधर हमें गाय मार रहे हैं। बिल्कुल जल्दी करो सर, आप लोग लेट शुरू करते हैं, लेट शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? हाँ बोलो, आप सॉल्व करना है, होमवर्क में आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मंडे को मुझे बताना है। मंडे को मैं शीट दूंगा और आपको एग्जांपल्स की भी जाना है अपने को। सर अभी चिल्लाएंगे अपने नाम से, बीच वाले तो इंतजार कर रहे हैं, इधर लेफ्ट हो जाओ। ओके बाय। आपको पता है मंडे को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऑफलाइन क्लास कैसे कहां कब कैसे होगा। बाय।